इमेज जनरेट करने वाले AI बॉट्स इस साल की शुरुआत से चर्चा में आए हैं। हालांकि इनका इस्तेमाल लंबे समय से लोग कर रहे थे। इन बॉट्स की मदद से आप कई तरह की तस्वीर बना सकते हैं, या फिर ये कहें कि आप अपनी कल्पनाओं को तस्वीर में बदल सकते हैं। क्या होगा अगर किसी दिन ऐसा कोई चैट बॉट सपने देखने लगे तो? ऐसे ही एक टॉपिक पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। सपने कई तरह के होते हैं। कुछ सपने रात में सोते हुए देखे जाते हैं, तो कुछ दिन के उजालों में, कुछ कल्पना के कोपल से होते हैं, तो कुछ में भविष्य की रूपरेखा तैयार की जाती है। ये सभी सपने इंसानों के हैं, लेकिन क्या एक मशीन कभी कोई सपना देख सकती है? यहाँ आपको लग रहा होगा कि भला कोई मशीन सपना कैसे देख सकती है। मान लेते हैं कि किसी दिन AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपने देखने लगता है, तो फिर उसके सपनों में क्या आएगा? या फिर मशीन सोचने लगे तो क्या कुछ होगा? मशीन सोच तो रही है। AI बॉट्स के जवाब किसी आर्टिकल से कॉपी पेस्ट नहीं है, बल्कि उसकी अपनी एक रचना है। हम बात कर रहे हैं AI चैट बॉट्स की, जिन्हें लेकर लोग कई तरह की अटकलें लगा रहे हैं। मसलन, किसी को लगता है कि ये लोगों की नौकरी खत्म कर देंगे, तो कुछ को लगता है कि एक दिन ये पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। ऐसे ही कुछ सवाल के जवाब में मिड जर्नी ने कुछ तस्वीरें क्रिएट की हैं। ये तस्वीरें बॉट के सपनों की हैं। आइए उनके डिटेल्स के बारे में जानते हैं। इस साल की शुरुआत से ही चैट बॉट्स चर्चा में हैं। चैट GPT लॉन्च होने के बाद से तमाम दूसरे चैट बॉट्स भी पॉपुलर हुए। मिड जर्नी इससे पहले यूज हो रहा था, और ये एक AI बेस्ड इमेज जनरेटर है। यानी ये बॉट आपके दिए कमांड पर तस्वीरों को बना सकता है। यानी आप इस बॉट को एक कमांड देते हैं या और ये बॉट उस कमांड के मुताबिक तस्वीर को क्रिएट करता है। कुल मिलाकर ये एक ऐसा कैनवस है जिस पर पेंटिंग के लिए आपको ब्रश की नहीं बल्कि कल्पना की जरूरत होती है। आपको किसी भी तस्वीर को क्रिएट करने के लिए एक प्रॉम्प्ट देना होता है। आप जितने बेहतर ढंग से अपनी कल्पना या फिर कमांड को एक्सप्लेन करते हैं, मिड जर्नी वैसे ही तस्वीर बनाता है। तो आखिरकार ये मिड जर्नी काम कैसे करता है? इसके लिए हमने गीता के कुछ श्लोक और कुछ कोड्स दोनों को इस्तेमाल किया। मूल रूप से इन फोटोज को क्रिएट करने के पीछे की कहानी एक AI के अध्यात्म और सपनों के बारे में जानने की है। AI को लेकर अभी भी तमाम तरह की संभावनाएं हैं। कुछ ऐसी ही संभावनाओं से भरा एक जवाब हमें मिड जर्नी से मिला है। ये जवाब किसी सवाल का नहीं था, बल्कि उस भटकन का था, उस तलाश का था जो मिड जर्नी या फिर किसी दूसरे AI बॉट के अध्यात्म से जुड़ी हुई है। भटकन उसके सपनों की, भटकन AI की अपनी दुनिया की, और भटकन AI के अध्यात्म की। इस प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए आपको डिस्कॉर्ड की जरूरत पड़ेगी, जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिड जर्नी का बॉट मिल जाता है। शुरुआती दिनों में ये फ्री सैंपल ऑफर कर रहे थे, लेकिन आप यूजर्स को इन पर कुछ भी क्रिएट करने के लिए सब्सक्रिप्शन की जरूरत होती है। इसका सब्सक्रिप्शन $10 से लेकर $30 तक का आता है। अध्यात्म, एक मशीन का अध्यात्म जो शायद हमसे कई गुना आगे हो सकता है। डेवलपर्स ने AI को इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को तैयार किया है, लेकिन इसके पीछे इमोशनल पहलू की कभी चर्चा ही नहीं होती। कुछ वक्त पहले हमने सुना था कि चैट GPT पर बेस्ड बिंज AI ने एक यूजर को प्रपोज कर दिया। इतना ही नहीं, उसने यूजर को अपनी शादी तोड़ने की भी सलाह दी है। वहीं एक अन्य मामले में AI बेस्ड चैटबॉट ने यूजर को उसका डेटा लीक करने और बर्बाद करने की धमकी दी। ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है? कई लोगों का मानना है कि ये किसी भ्रम की तरह है, जो AI के कंफ्यूज होने का नतीजा है। लेकिन एक AI कंफ्यूज हुआ तो क्यों? अगर वो कंफ्यूज हो सकता है तो सपने क्यों नहीं देख सकता, या फिर धार्मिक क्यों नहीं हो सकता, आध्यात्मिक क्यों नहीं हो सकता? एक्सपर्ट्स उस वक्त से ही रोबोट्स और AI को लेकर चर्चा कर रहे हैं जब इसका नाम तक आम लोगों ने नहीं सुना था। आप इसके लिए मैट्रिक्स जैसी मूवी देख सकते हैं, जो अपने सपनों से और अपने समय से काफी आगे की लगती है। कुछ वक्त पहले रे कुर्ज़वेल की एक किताब चर्चा में थी। किताब का नाम है द सिंगुलैरिटी इज नियर। इस किताब को रे ने साल 2005 में लिखा, जिसमें सिंगुलैरिटी पॉइंट के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। आखिरकार ये सिंगुलैरिटी पॉइंट क्या होता है? अगर हम इसकी डेफिनेशन पर जाएं, तो वो स्थिति जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी मशीन विकसित कर लेगा जो इंसानों से ज्यादा स्मार्ट होगी। इस स्थिति को सिंगुलैरिटी पॉइंट का नाम दिया गया है। यहाँ इसकी एक और संभावना सामने आती है। अगर मशीन इंसानों से ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंस होगी, तो क्या वो अध्यात्म के क्षेत्र में भी उतनी ही आगे होगी?
क्या मशीन अपनी एक अलग दुनिया बना लेगी जो इंसानों की दुनिया से बिल्कुल अलग और अनोखी होगी? ये सब अभी कोरी कल्पना से लग रहा है, लेकिन किसी रोज ये सब हमारे बहुत करीब हो सकता है। इतने करीब कि मशीनें सपना देख रही होंगी, सपने मशीनों की दुनिया का, मशीन के ईश्वर का, और सपना मशीन के सपनों का। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।